नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी व्यावसायिक पर्यावरण या फिर व्यावसायिक वातावरण की, जिसमें हम लोगों ने पहले तमाम तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। और उसी में आज हम लोग समझेंगे कि आर्थिक पर्यावरण यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, और साथ ही साथ समझेंगे कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख संघटक कौन कौन से होते हैं। यानी जो भी हम लोग बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण की, तो जो भी वह आर्थिक पर्यावरण है उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, यानी किन कारणों की वजह से, किन कारकों की वजह से वह आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। इसके बाद से हम लोग पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें, बढ़िया से समझें और जानें। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग जरूर पूछें, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की मीनिंग की, तो हम लोग समझेंगे कि आर्थिक पर्यावरण से आशय व्यवसाय की उन सभी बाहरी शक्तियों से है जो व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। आप लोग समझेंगे कि जब हम लोगों ने व्यवसायिक पर्यावरण की बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो भी व्यवसायिक पर्यावरण है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला था आंतरिक व्यवसायिक पर्यावरण और दूसरा था बाह्य व्यवसायिक पर्यावरण। तो जो भी बाह्य व्यवसायिक पर्यावरण है उसी के अंतर्गत आता है आर्थिक पर्यावरण या फिर आर्थिक व्यवसायिक वातावरण। तो आर्थिक व्यवसायिक वातावरण व्यवसाय को आर्थिक रूप से बाह्य शक्तियों के द्वारा प्रभावित करता है। ये बातें आपको समझनी है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आर्थिक पर्यावरण से आशय व्यवसाय की उन सभी बाहरी शक्तियों से है, चाहे वह कोई भी एलिमेंट हो। अगर वह एलिमेंट जो व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि वह एनवायरमेंटल एलिमेंट या फिर वह बाह्य कारक व्यवसाय का आर्थिक व्यवसायिक वातावरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश तथा वितरण प्रक्रियाएं चलती हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की जीवंत प्रक्रियाएं या अनिवार्यताएं कहा जाता है। यानी कोई भी देश है पूरे विश्व में, उस देश की जो भी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से आपको दिखाई देगा उत्पादन हो रहा होता है किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी सेवा का। उस वस्तु या फिर उस सेवा का उपभोग होता है, लोग यानी जो भी कंज्यूमर हैं वे सारे के सारे कंज्यूमर, जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं तमाम तरह की संस्थाओं में, तमाम तरह की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उनका वो करती हैं उपभोग। उसके बाद से आगे कहा गया है विनिमय, विनिमय का काम होता है, निवेश होता है, और आपको बताया गया होगा पहले ही कि जो भी रेस्पेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस होते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उनका वितरण भी होता है। मैंने आप सभी को जब मार्केटिंग पढ़ाया था तो मार्केटिंग में मैंने आप सभी को डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया हुआ था। आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को, वहाँ पे मैंने आप सभी को पहले बताया हुआ है। इस तरीके से कोई भी अर्थव्यवस्था चलती है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से जीवंत होती है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये सारी की सारी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी अनिवार्यताएं होती हैं, ये सारे के सारे काम होते हैं। इन्हीं जीवंत प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संस्थाओं का निर्माण होता है, और ये तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं मैंने आप सभी को जिनका यहाँ पे बताया, जिनके बारे में बताया, समझाया, वे सारी की सारी प्रक्रियाएं किसी भी देश में अगर कोई संस्था है उसके निर्माण के लिए एक ढांचा बना के चलती हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि उस एनवायरनमेंट में कोई भी संस्था आ करके खुले या फिर संस्था का निर्माण हो। ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, आगे कहा गया है कि
उत्पादन के लिए खेत, कारखाने, कार्यालय, विनिमय के लिए दुकानें, सहकारी भंडार, वितरक, एजेंट, सेल्समैन, मंडी, बाजार, निवेश के लिए बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं आवश्यक होती हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बातें बता दी गई हैं। पहले कहा गया था कि अगर उत्पादन होता है तो उत्पादन करने के लिए खेत चाहिए, यानी अगर कोई भी किसान है उसके पास खेत रहता है तो वह क्या करता है, अनाजों का उत्पादन करता है। अगला है कारखाने। कारखानों की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि आप सभी को, हम सभी को अनाजों के अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं चाहिए होती हैं जो हमारे जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में हमें टूथपेस्ट चाहिए होता है, टूथब्रश चाहिए होता है, हमें कपड़े चाहिए होते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको कलम कॉपी चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, फ़ोन चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आप सभी को टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मुझे वाइट बोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, ट्राईपॉड चाहिए, कैमरा चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो ये सारी की सारी वस्तुएं मुझे कहाँ से मिलेंगी, ये सारी की सारी वस्तुएं मुझे आपको, हम सभी को कारखानों से मिलती हैं बन करके, ठीक है। आगे कहा गया है कार्यालय, यानी उत्पादन के लिए खेत किसानों के रेस्पेक्टिव में, कार्यालय बिजनेस के रेस्पेक्टिव में, और कारखाने भी बिजनेस के रेस्पेक्टिव में बहुत ही ज़रूरी होते हैं अगर हम लोग बात करते हैं उत्पादन की। आगे बात की गई है विनिमय के लिए। अगर विनिमय का काम हो रहा है, एक्सचेंज का काम हो रहा है, जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली हो रही है, तो वहाँ पर दुकानें होती हैं, सहकारी भंडार होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांवों में, आपके शहरों में भी तमाम तरह की सहकारी दुकानें भी, जहाँ पर जो भी अनाज हैं उनको गवर्नमेंट फ्री में या फिर सस्ते रेट पर प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से जो भी दुकानें आप लोग देख रहे होंगे, मैं अगर वर्तमान समय की बात करूं तो शॉपिंग मॉल्स हो जाते हैं, इस तरीके से जो भी आप सभी को दुकानें दिखती हैं, ये सारी की सारी दुकानें विनिमय में बहुत ही अपना अच्छा योगदान देती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वितरक की, जो सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाता है, एजेंट, सेल्समैन, मंडी, बाजार। निवेश की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम लोग, हमारे लिए, हमारे देश में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंकों की बात करेंगे तो हमारे लिए जैसे SBI, उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है, साथ ही साथ कानून, नियमों, प्रथाओं, प्रबंध के तरीकों और सामाजिक आर्थिक संबंध जैसे भूस्वामी तथा काश्तकार, पूंजीपति एवं श्रमिक, उत्पादक एवं उपभोक्ता, नियोक्ता और कार्मिक इत्यादि को समग्र रूप से संस्थाएं कहा जाता है, यानी इनको हम लोग संस्थाएं या फिर इंस्टीट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। इन्हीं सब संस्थाओं से मिलकर आर्थिक ढांचा एवं आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब जो भी बातें हमने करी, जो भी पूरी की पूरी कहानी हमने यहाँ पर सुनी, पढ़ी, जानी, उन सभी को लेकर के किसी भी देश में, पूरे विश्व स्तर पर आर्थिक ढांचे या फिर आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है इस तरीके से। तो यह पूरा का पूरा मीनिंग हो जाता है, अर्थ हो जाता है आर्थिक पर्यावरण का। मैंने आप सभी को शुरू में दो लाइनें बताई, क्या कहा कि आर्थिक पर्यावरण से आशय व्यवसाय की उन सभी बाहरी शक्तियों से है जो व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। इसको हम लोग परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं। आप सभी लोग अपने एग्जाम में परिभाषा की हेडिंग में इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में अच्छा इफेक्टिवनेस आता है और एग्जाम में नंबर भी बढ़िया मिलता है। आगे बात करते हैं हम लोग आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख संघटकों के बारे में, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब बात करेंगे तो इसमें हमें तीन बातें मिलती हैं,
तीन तत्व मिलते हैं, तीन एलिमेंट मिलते हैं, तीन कारक कह सकते हैं, या फिर तीन फैक्टर कह सकते हैं, या फिर संघटक कह सकते हैं, जो भी नाम लिया जाए आप सभी लोग के लिए एक ही आंसर होगा। पहला है आर्थिक विकास का स्तर या अवस्था, यानी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उसका स्टेज क्या है भाई साहब। दूसरा है आर्थिक नीतियाँ यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज। तीसरा है आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है देश की, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा, ठीक है। पहला हम लोग समझेंगे आर्थिक विकास का स्तर या अवस्था। स्तर या अवस्था को समझेंगे यानी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे तो हमें जानना होगा कि आर्थिक विकास के स्तर या अवस्था से आशय है किसी भी देश की आधारभूत संरचना क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। मैं अगर लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो रुपए पैसे के मामले में आर्थिक स्थिति को हम लोग देखेंगे तो औकात क्या है देश की, ठीक है। तकनीक एवं लोगों के रहन सहन तथा जीवन स्तर में विकास की श्रेणियों या अवस्थाओं से है, यानी समग्र रूप से बात करेंगे तो आर्थिक विकास के स्तर या अवस्था से आशय किसी भी देश की आधारभूत संरचना, आर्थिक स्थिति, तकनीक एवं लोगों के रहन सहन तथा जीवन स्तर में विकास की श्रेणियों या अवस्थाओं से है। यानी जो भी बातें मैंने करी उन सभी की सभी बातों में विकास कितना हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितने स्तर तक हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास का स्तर, जिससे यह पता चल जाता है कि देश के विकास का क्या स्तर है, देश विकास कर रहा है या नहीं आर्थिक रूप से। विकास स्तर के आधार पर ही संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में बांटा गया है। यह आप सभी लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन तथा जापान आदि देशों की अर्थव्यवस्था विकसित मानी जाती है, क्लियर है। तथा एशियाई, अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिका के देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील मानी जाती है। ये सभी बातें आप लोग समझेंगे, बहुत ही इजी है यह। अब बात करते हैं आर्थिक नीतियों के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। आप लोग को मालूम होगा, अगर आप लोग किसी भी संस्था में पढ़ते होंगे, किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर, किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी प्रशासन होता है वहाँ का, वह कुछ न कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना के चलता है, जिसको फॉलो करते हुए वह संस्था रन करती है, वह कॉलेज, वह स्कूल रन करता है। इसी तरीके से जो देश है उस देश को चलाने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए, कि आर्थिक गतिविधियां सही तरीके से हो पाए, इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बना के चलती है, पॉलिसीज बना के चलती है। अब उन पॉलिसीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि वह पॉलिसीज़ क्या हैं, आर्थिक नीतियां हैं यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। उसके बारे में कहा गया है कि आर्थिक नीतियों से आशय सरकार की उन नीतियों से है जो किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों के निर्देशन, नियंत्रण तथा नियमन से संबंधित होती हैं। यानी ऐसी कोई पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट जिससे देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका निर्देशन हो जाए सही तरीके से, नियंत्रण हो जाए और फिर उनका नियमन हो जाए, उस पर नियम कानून बनाए जाएं। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यह क्या है, आर्थिक नीतियां हैं। आर्थिक नीतियों की सहायता से ही देश के विकास स्तर को बढ़ावा मिलता है, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है यह, तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। भारत के संदर्भ में आर्थिक नीतियों की बात की जाए तो उसके अंतर्गत निम्न प्रकार की आर्थिक नीतियों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ होती हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला होता है औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकेंड है राजकोषीय या बजट नीति यानी फिजिकल आर बजट पॉलिसी। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, जो बैंकों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है हमारे देश में,
कौन बैंक है सबसे बड़ी बैंक, यानी सेंट्रल बैंक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। व्यापार नीति यानी ट्रेड पॉलिसी। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे के बारे में बात करते हैं, जो अंतिम मेरा टॉपिक है इस वीडियो का, आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली से आशय है उस आर्थिक व्यवस्था से है, किससे है, आर्थिक व्यवस्था से है। यहाँ पर पॉलिसी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर व्यवस्था की बात की जा रही है। जैसे आगे कहा गया है, जिसके तहत कोई भी समाज अपने संस्थानों, उत्पादन, वितरण और साथ ही साथ वस्तुएं एवं सेवाओं की खपत को व्यवस्थित तथा प्रतिबंधित करता है। अब कोई भी समाज है उसमें ऐसी व्यवस्था है, जो व्यवस्था सेट कर दी गई है उसी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को चालू करना है, कंपनी चालू होगी। कंपनी को प्रोडक्शन करना है, कंपनी प्रोडक्शन करेगी। कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। कंपनी को लोन चाहिए तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को लोन मिलेगा। कंपनी अगर बिजनेस बंद करना चाहती है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत उस कंपनी को बिजनेस बंद भी करना है, तो उसी व्यवस्था को यहाँ पर, उसी आर्थिक व्यवस्था को यहाँ पर आर्थिक प्रणाली कहा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। आगे बात कही गई है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली निम्न प्रकार से हो सकती है या फिर निम्न प्रकार की हो सकती है। तीन बातें कही जाती हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ें। शॉर्ट आंसर में यानी 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम लोग जब बात करेंगे कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो हम लोग नाम लेंगे चाइना का, रूस का, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। और हम लोग बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे हम लोग अमेरिका को ले सकते हैं। अगला आता है थर्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा भारत देश है। बात को समझिएगा कि जहाँ पर जो भी रिसोर्सेस होते हैं, वह सारे के सारे रिसोर्सेस कैपिटलिस्ट के हाथ में होते हैं, और वे सारे के सारे कैपिटलिस्ट, सारे के सारे पूंजीपति, सारे के सारे बिजनेसमैन, देश में किस तरीके से बिजनेस होगा वे अपने हिसाब से बिजनेस को रेगुलेट करते हैं और उसको संभालते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट केवल जो भी नॉर्मल फीचर्स होती है उनको देखते, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जब मैं बात करूँगा इसके बारे में विस्तार से, तो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। साम्यवादी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह इसके उल्टा होता है, सारी की सारी शक्तियाँ गवर्नमेंट के पास होती हैं, ठीक है। और जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर के काम करते हैं, बिजनेसमैन और सरकार दोनों, ठीक है। तो हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है, तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, आपको सही प्रश्नों का आंसर हम जरूर करेंगे। आप सभी को इस वीडियो का नोट्स हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग www.ashishcommerceclasses.com पर भी जाकर के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।